एक बंदा ब्रिटिश होना चाहिए, तब उसको जो है आप सिटीजनशिप करवा सकते हो यहाँ लाके, और 16 ईयर के अंदर कभी भी आप करवा सकते हो। हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, राम राम आप सभी को। वेलकम बैक टू द प्रीतिस फैमिली न्यू के ब्लॉग। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे। बहुत ही सारा प्यार आप सभी को, ओम नमः शिवाय। तो ये है अभी मॉर्निंग का टाइम और सुबह ही इतनी अच्छी धूप निकल आई है। अब 2-3 दिनों से गर्मी बहुत हो रही है, तो मैंने आपको सुबह सुबह फ्लावर दिखा दिया कि कितना अच्छा सा खिला हुआ है। गार्डन में ये वहीं ऐसे घूम रही थी। सुबह जॉब से आई हूँ, मेरा डे ऑफ है 2 दिन का। तो ये मैंने मूंग की दाल जो है भिगोई थी, तो इसको स्प्राउट करने के लिए मैंने ऐसे बांध के मैं कर देती हूँ, तो अच्छे से ये नेक्स्ट डे स्प्राउटेड हो गया है। अखवाना भी बोलते हैं हमारे उधर देसी में, मतलब अपने लैंग्वेज में, यूपी के लैंग्वेज में अखुआ जाना बोलते हैं इसको। तो ये अखुआ गया है अच्छे से, तो बस इसको इस तरीके से कंटेनर में मैं जार में भर के रख दूंगी, और जब भी मुझे इसमें चीला बनाना हुआ या मुझे कुछ पराठे बनाने हुए या कुछ डोसा वगैरह बनाना हुआ तो मैं बस, और नहीं तो सैलेड ही बनाना हुआ तो बस निकाला थोड़ा सा और इसमें मिला के बना लिया। फिर बच्चों को ब्रेकफास्ट वगैरह जो है करा दिया है आज, जो है क्योंकि छुट्टी है तो सारे तो लेट में ही उठते हैं आजकल, मैं कोई इतना जल्दी नहीं करती हूँ। तो देर से ये लोग उठे थे, लेकिन मैं उसके पहले ही, आने के पहले ही हस्बैंड चले गए हैं जॉब पे। मैं अपना शावर वगैरह लेके, पूजा वगैरह की करके, और बस यहाँ आज थोड़ा सा मुझे बेड वगैरह चेंज करना था। धूप अच्छी है तो सोचा कि लाओ धुल के डाल देती हूँ, अभी ये सूख जाएगा सारा। तो बस यहाँ मैं वही बेडशीट चेंज कर रही हूँ, और हफ्ते में तो मैं चेंज कर ही देती हूँ। हमारा संडे वैसे टाइम होता है, लेकिन क्योंकि उधर छुट्टियों, मतलब हम थे नहीं घर पे, तो आने के बाद फिर बेडशीट वगैरह चेंज करना था, तो वही बस चेंज कर दिया है, और बस सबको धुलने में डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे नया बेडशीट चढ़ा दूंगी। थोड़ा सा यहाँ पे मैंने मूविंग भी किया है वॉल पे, मैं वही दिखा रही थी आपको। एक आपने देखा होगा कि वो जो हार्ट शेप का एक टेडी बियर टंगा है, वो बीच में टंगा था, तो मैं वहाँ पर मैंने उसको किनारे कर दिया है। इस वॉल पे मैंने कुछ लगाने की सोची थी, लेकिन नहीं लगाए अभी, क्योंकि यहाँ पर हमें पेंट करना है। अब दिवाली आ रही है तो धीरे धीरे एक एक कमरा लेकर चलेंगे तो सब हो जाएगा। तो वही वॉल पे मैंने सोचा था कि यहाँ पर एक फैमिली पिक्चर बड़ी सी बनवा के लगवा दूँ, लेकिन अब यही है कि अभी लगवा नहीं सकते, और पेंट करने के बाद ही कुछ लगवाएंगे। तो कुछ ऐसे ही जो है टेम्परेरी ऑप्शन भी सोचा था कि अगर या तो फैमिली पिक्चर लगा दूं, और या फिर कुछ ऐसे सीनरी वगैरह लाके स्टिकर्स वगैरह ये लगा दूं। तो मैंने ये एक पिकॉक का स्टिकर मंगवाया था, सोचा यही लगा देती हूँ, लेकिन ये भी नहीं लगा सकती क्योंकि अभी जो है पेंट करना है। तो ये रखा हुआ है, नहीं होगा तो मैं इसको जो है कैनवस एक लाके इसी साइज का, उसी कैनवस पे चिपका के पूरे तरीके से बना के, ये बनने पे बिल्कुल ऐसे आएगा। तो ये स्टेयर वगैरह साइड में लगाने के लिए है, कहीं और या तो लग जाएगा या फिर यहीं लगाऊंगी, लेकिन कुछ जो है कैनवस वाला ही बना के लगाऊंगी कि ताकि जो है ये हमें स्टिकर बार बार निकालना ना पड़े। जब पेंट करना हो तो सीधे कैनवस उतारो और बगल में रख दो और पेंट कर लो, क्योंकि स्टिकर का अगर जो सेल्फ एडहेसिव है ना, तो अगर इसको निकाल देंगे फिर पेंट वगैरह करते समय तो निकालना ही पड़ेगा, तो फिर ये ख़राब हो जाएगा। तो ऐसा ही कुछ जुगाड़ बस लगाऊंगी, देखती हूँ आगे कैसे होगा। तो ये तो लगाया नहीं मैंने, ऐसे फिर इसको रख दिया है, बाद में देखूंगी। उसके बाद मैं अब सीधे आपसे मिल रही हूँ दोपहर में। यहाँ पे मैं पूरियाँ बना रही हूँ बच्चों के लिए, इन लोगों को पूरियाँ दे दूंगी, क्योंकि आपको पता ही है छोले वगैरह आलू दम वगैरह बनाए थे। हेलो, तो हम लोगों सबका भोजन हो गया है और
वही कुछ आज ऐसा बनाना था नहीं, छोले वगैरह रखे थे तो बस पूरियां बना दिया था, बच्चों ने खाया, मैंने थोड़ा सा उसी के छोले के साथ पुलाव भी बचा हुआ था तो वही खाया। तो हस्बैंड को भी सुबह में बनाकर दे दिया था, तो अब शाम तक हस्बैंड आएंगे तब भी कुछ ना कुछ बनेगा। तो काफ़ी दिनों से आपसे बात नहीं हो पा रही थी तो मैंने सोचा चलिए बात कर लेते हैं, और एक आध सवाल भी थे तो आज मैंने ऐसा कोई वीडियो इसमें मेंशन नहीं किया, अदरवाइज वीडियो फिर लॉन्ग हो जाती है और मैं आपके सवालों का जवाब नहीं दे पाती हूँ। और हॉलीडे वगैरह पे थी अभी, अब आ गई हूँ तो मैंने सोचा कि बात ही कर लेते हैं आपसे, नहीं तो कहीं देर ना हो जाए। कुछ चीज़ें जल्दी जानने में, अगर कुछ चीज़ें जब कुछ सवाल हो उसी समय बता दो, आंसर अगर कर दो तो सामने वाला जिसने क्वेश्चन किया है उसके लिए आसान हो जाता है। तो बस मैंने सोचा आज ऐसे ही बात ही कर लेती हूँ, बहुत दिनों से आपसे बात नहीं हुई थी। तो बात करते करते जो भी मुझे नॉलेज है मैं आपको बताने की कोशिश ज़रूर करूँगी जितना मैं जानती हूँ इन विषय में। और मैंने हस्बैंड से भी कुछ कुछ ऐसे पूछा था तो वो उन्होंने भी बताया जो वो मैं आपसे बता दे रही हूँ। तो अभी कुछ दिन पहले मेरे एक वीडियो पे एक कमेंट आया था कि दी आप हम मतलब मैं प्रेग्नेंट हूँ और मेरा उनका साथ चौथा महीना चल रहा है और वो लोग यूके मूव होना चाहते हैं, तो यहाँ पे सिजीरन वगैरह कैसे होता है, यहाँ पे मतलब सिजीरन में क्या प्रोसेस है और हॉस्पिटल का क्या प्रोसेस, शायद यही उन्होंने पूछा था। तो एक कुछ क्वेश्चन थे जहाँ तक मुझे याद है, मैंने लिखा तो नहीं है कहीं पे, पर मुझे थोड़ा थोड़ा ऐसे मतलब जो उनका पूछने का मतलब है वो शायद मैं समझ गई थी। तो मैंने सोचा, वैसे तो उनको मैंने पर्सनली मैसेज करके बता ही दिया था लेकिन सामने से ऐसे बता दूंगी, हो सकता है मैसेज ना देखा हो, कभी कभी आप लोग मैसेज मिस कर देते हो, कमेंट का रिप्लाई नहीं देखते हो, फिर से वही क्वेश्चन आता है या दिमाग में क्वेश्चन बना रहता है, फिर कहोगे कि दीदी ने तो अप्लाई हमको रिप्लाई ही नहीं किया। तो इसलिए तो वो क्वेश्चन उनका ये था कि मतलब हम आना चाहते हैं और यहाँ पे सिजीरियन का क्या प्रोसेस है। तो प्रोसेस कुछ भी नहीं है, अगर आप नॉर्मल चाहते हो तो नॉर्मल, अगर आपका पहला बच्चा सिजीरियन हुआ है तो कोई ज़रूरी नहीं होता यहाँ पे कि मतलब आपको फोर्स करते हैं कि आप नॉर्मल में जाओ, नॉर्मल प्रोसेस में अगर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होते हैं तो वो नॉर्मल ही कराते हैं आपको, मतलब कन्वेंस करते हैं, फोर्स नहीं करते, सॉरी वो मैंने गलत वर्ड बोला, फोर्स नहीं करते यहाँ पे, कन्वेंस करते हैं कि नॉर्मल ही कराओ, बाकी आपकी चॉइस है। तो मेरे केस में ऐसा नहीं हुआ था, मेरे पहले में भी जो है कॉम्प्लिकेशंस आ गए थे और सेकेंड में भी मतलब काफ़ी जो है तबीयत मेरी ख़राब हो गई थी एंड मौके पर, और थर्ड वाली बेबी में तो मतलब होना ही था, डिसाइड ही था शुरू से कि ये सिजीरियन ही होगा। तो कोई भी ऐसा दिक्कत नहीं होता है, सेकेंड डे आपको वो चलने फिरने के लायक बना देते हैं, डॉक्टर आता है बराबर चेक करता है आपका बैंडेज वगैरह, वो सेकेंड डे ही खोल देते हैं। यहाँ पर ये नहीं कि 3 दिन 4 दिन या ये 3 हफ्ता 2 हफ्ता के बाद बैंडेज खुलेगा, नहीं, हॉस्पिटल में ही आपको वो एक्टिव कर देते हैं, आपको जो है मोटिवेट करते हैं, आपसे बात करते हैं, आपको घूमने फिरने को कहते हैं, नहाने को कहते हैं, खुद से नहा लो खुद से काम करो। मैं तो हॉस्पिटल में अकेले ही थी, मेरे सब बच्चों के टाइम में वहाँ तो कोई देखने भालने वाला मेरा कोई ऐसा था नहीं, जब भी थे हस्बैंड ही थे, लेकिन पहले बच्चे में तो मतलब हस्बैंड ज़्यादा टाइम तक मेरे साथ थे ही, लेकिन दूसरे बच्चे के टाइम में दूसरे पहले बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, आप ऐसे तो छोड़कर उसको साथ नहीं रह सकते थे, तो कोई जो है वहाँ नहीं था, एक दो दिन थे आते जाते थे ऐसे। पहले बच्चे में तो जल्दी आ गए थे, 3 या 4 दिन में हम घर आ गए थे, दूसरे बच्चे के टाइम में आई थिंक मुझे 1 वीक लग गया था घर आने में, क्योंकि मुझे कफिंग वगैरह बहुत ज़्यादा हो रही थी, और जो है शिवांश नॉर्मल ही था, इसको जो है कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन वही है कि थोड़ा सा ही उनको वेंकुलाइटिस वगैरह का चेकअप करना था, कुछ उनको डाउट था तो इस वजह से टाइम लगा था। तो मुझे मैं आ गई थी एक हफ्ते में आ गई थी। तो यस, कोई ऐसा प्रोसेस नहीं होता है, सब कुछ आसानी से हो जाता है, बाकी तो आप यहाँ आओगे हम लोग तो हैं ही हैं, कभी भी जब मन करे आप कॉन्टेक्ट कर लेना मुझसे,
और सब हेल्प हो जाती है। वही लोग जब यहाँ पर मतलब इतना आपका ध्यान रखते हैं वो लोग कि आपको कभी किसी की कमी महसूस ही नहीं होती। भाई मुझे तो ऐसा ही हुआ कि मैं जानती ही नहीं कि फैमिली में कौन कैसे लुक आफ्टर करता है या कैसे होगा। पहले डर लगता था, लेकिन जब पहले बच्चे के टाइम पर आपको एक्सपीरियंस नहीं होता है कुछ, आप नहीं जानते हो कैसे क्या होगा, और तो पहले थोड़ा सा डर लगा था, लेकिन दूसरे के टाइम पर तो माइंड मेरा प्रिपेयर था कि मुझे ही करना है, हम ही दोनों को करना है, जैसे भी करना है मैनेज। तो दूसरे बच्चे के टाइम पर ही कुछ इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है आपको कि बस पूछो ही ना। तो और थर्ड बच्चा भी हमारा ऐसे ही हुआ था, थर्ड एंड फोर्थ, मतलब दोनों मेरे ट्विंस हैं तो इसलिए मैं उनको थर्ड एंड फोर्थ कहती हूँ। तो ऐसे ही हुआ था। तो कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, आप आओ आराम से बिना मतलब टेंशन लिए हुए। और 7वें महीने लगने से, आई थिंक 6 या 7 महीना, 7वां महीना लगने से पहले आ जाओ। उन्होंने बोला था वो सितंबर में मूव हो रहे हैं, इंडिया से यहाँ आएंगे, तो सितंबर में अगर आ जाते हो, आई थिंक सितंबर में 4 महीना उनका पूरा होगा कि चौथा लगेगा, कुछ ऐसा ही था। तो अगर आप 7वां के लगने के पहले आ जाते हो तो बहुत अच्छी बात है। सब कुछ आपका यहाँ पर सारा मैटरनिटी व्यवस्था यहाँ से शुरू हो जाएगा जैसे ही आप आओगे। थोड़ा सा रजिस्टर वगैरह जीपी में करना पड़ता है, वो सारे प्रोसेस देखते हुए आपके सब कुछ ठीक हो जाएंगे, और पेपर वाइज भी आपका सब सही हो जाएगा डिलीवरी होने के टाइम तक। और 7 महीना से पहले अगर आप आ जाते हो तो फ्लाइट में भी आपको चढ़ने देंगे, अदरवाइज 7वां आई थिंक लगने के बाद तो फ्लाइट पे भी नहीं चढ़ने देते हैं। बाकी आप लोग आओगे तो आप उस प्रोसेस में जा रहे हो, जाओगे तो पता ही चलेगा कि क्या करना है, फ्लाइट की क्या रिक्वायरमेंट है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि कोई परेशानी नहीं होती है, आप आराम से आओ, टेंशन फ्री होके अपना ध्यान रखो। और दूसरा क्वेश्चन था उनके सेकेंड, उनका जो बेटा है या बेटी, जो भी पहला बच्चा जो है उसके लिए था कि अगर हम उसको लेकर आते हैं तो वहाँ की नागरिकता, यहाँ की सिटीजनशिप लेने के लिए क्या उसको टेस्ट देना पड़ेगा, और अगर वो टेस्ट का के प्रोसेस में जाएंगे, और कितने दिन के बाद नागरिकता मिल जाती है। तो नागरिकता डिपेंड करता है उस बात पर कि आप जो है, आपका बच्चा मतलब जो आ रहा है उसके साथ में, उनमें से कोई आप जैसे दो पेरेंट्स में से आप, आपके हस्बैंड या आप, कोई एक आदमी, एक बंदा ब्रिटिश होना चाहिए, तब उसको जो है आप सिटीजनशिप करवा सकते हो यहाँ लाके। और 16 ईयर के अंदर कभी भी आप करवा सकते हो, उसके 16 साल होने से पहले वो कभी भी आप करवा सकते हो, उसे ब्रिटिश बना सकते हो बाई पासपोर्ट, वो ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर हो जाएगा 16 ईयर के अंदर। अगर आप ऐसा प्रोसेस में जाते हो तो कोई भी जो है वहाँ पर आई थिंक टेस्ट वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और आई थिंक जो है कितने दिन के बाद वो सिटीजनशिप ले सकता है, तो आई थिंक ऐसा कुछ प्रोसेस नहीं है, ऐसा कोई टाइम निर्धारित नहीं है कि वो इंडिया से यहाँ पर आने के बाद कितने दिन ले सकता है। एटलीस्ट आई थिंक मे बी मंथ लगता होगा, मुझे इसके विषय में ज़्यादा नहीं जानकारी है जहाँ तक। या आप स्टेट अवे अप्लाई कर सकते हो, या जैसे भी है आप उस प्रोसेस में आप जब जाओगे तो आपको सब पता चल जाएगा। मेन जो उनका यही क्वेश्चन था कि क्या उसको टेस्ट देना पड़ेगा यहाँ पे, तो टेस्ट ऐसा कुछ नहीं देना होगा। और आपके हस्बैंड या आप, कोई एक बंदा जो है मतलब ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर होना चाहिए उसके लिए। जैसे मैं, मेरा था, तो जब मैं इंडिया से आई थी तब मेरे हस्बैंड भी ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर नहीं थे। हाँ, उन्होंने प्रोसेस शुरू कर दिया था अप्लाई करने का, मतलब सरेंडर करने का अपना पासपोर्ट इंडियन, लेकिन थे नहीं। मैं आई थी वीज़ा पे आई थी, 2 साल के वीज़ा पे आई थी। उसके बाद जब मेरा विदिन 2 ईयर के अंदर जब दूसरा साल लगा तो मैंने फिर यहाँ पर पढ़ाई किया, और पढ़ाई करके एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम में लाइफ इन यूके मैंने पास किया, फिर मैंने रेजिडेंस ले लिया यहाँ पे। मैं अभी भी इंडियन ही हूँ, मैं ब्रिटिश नहीं हूँ, और मेरा पासपोर्ट इंडियन ही है,
मेरे ही एड्रेस पे, इंडिया का जो एड्रेस है मेरा उसी पर मेरा पासपोर्ट है, उसी के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, हर चीज़ मेरा जो है वहीं का है। और मुझे एक रेजिडेंस परमिट कार्ड मिला है, मैं वही लेकर यहाँ पर कहीं भी कोई भी जॉब वगैरह अप्लाई करती हूँ। और आपको जॉब में, बैंक में, कहीं भी लीगल काम होता है उसी की ज़रूरत पड़ती है। बायोमेट्रिक कार्ड, पहले वो पासपोर्ट पर ही आई थिंक सिटीजनशिप, वो सॉरी रेजिडेंस का मोहर लगा देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। मेरे टाइम से बायोमेट्रिक हो गया था, 2012 अगस्त से इन्होंने बायोमेट्रिक कार्ड शुरू कर दिया था। तो यस, मैं वो वही होल्डर हूँ और मैंने जो है रेजिडेंस ले रखा है और सिटीजनशिप नहीं लिया है। मेरे हस्बैंड ने 2010 में सिटीजनशिप ले लिया था और मेरे सारे बच्चे यहाँ हुए, तो वो तो भाई बहन ब्रिटिश ही हैं, उनके लिए मुझे कुछ ऐसा नहीं करना पड़ा था। रही बात पब्लिक फंड वगैरह की, हाँ अगर आप में से दोनों में से कोई इंडियन मतलब ब्रिटिश नहीं है, तो आप उसके जो वीज़ा लगते हैं उसके सरकम चांसेस होते हैं, टर्म्स कंडीशन होते हैं, उस पर लिखा होता है कि आप जो है यूके में इस वीज़ा पर आए हो, वर्किंग पे आए हो या स्टूडेंट पे आए हो, जैसे भी आए हो, उसमें आपको पब्लिक फंड वगैरह जो है आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, कोई बेनिफिट आप नहीं ले सकते हो। यदि आप में से दोनों में से कोई एक पेरेंट्स आपके ब्रिटिश हैं, यहाँ का रेजिडेंस ही है उनका, मान लो एक रेजिडेंस ही परमिट लिए हुए है, या एक ब्रिटिश होल्डर है, पासपोर्ट होल्डर है, तो ही आप पब्लिक फंड ले सकते हो। जैसे चाइल्ड बेनिफिट हुआ, आप ले सकते हो तब। और ये कि एक ये भी बात होता है कि चाइल्ड बेनिफिट जो होता है, चाइल्ड बेनिफिट आपको उस डे वन से शुरू हो जाएगा। यदि आपका एक मतलब फैमिली मेम्बर, आपका आपके हस्बैंड यदि ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर हैं या यूके के बायोमेट्रिक कार्ड होल्डर हैं, यानी रेजिडेंस है उनका यहाँ पर, वीज़ा नहीं है, रेजिडेंस की मैं बात कर रही हूँ, अगर दो में से कोई एक भी रेजिडेंस परमिट है उसके पास, तो वो यहाँ का मतलब आपको बेनिफिट उसको मिल सकता है। और तो उस वीज़ा के टर्म्स कंडीशन पे वो मतलब लिखा होता है कि आप पब्लिक फंड नहीं ले सकते हो। यहाँ कई कई बेनिफिट होते हैं, वो सारी बेनिफिट आप जो है उसमें प्रोसेस करोगे तो पता चलेगा ही। वर्किंग टैक्स होता है, चाइल्ड टैक्स होता है, ये सारी होते हैं। हम लोग कोई बेनिफिट ऐसा नहीं लेते हैं क्योंकि हम दोनों की सैलरी ही जो है बहुत ज़्यादा है, उस हिसाब से हमारे इनकम बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से हमारे वो मतलब ऐसा कोई बेनिफिट हमें नहीं मिलता है, यहाँ पे हम नहीं ले सकते हैं। मेरे मतलब पहली बेटी जब हुई मुझे, तो उस समय मैं वीज़ा पर थी, लेकिन मेरे हस्बैंड जो हैं वो ब्रिटिश हो चुके थे, तो उनके थ्रू उन्होंने अप्लाई किया था चाइल्ड बेनिफिट के लिए, तो वो चाइल्ड बेनिफिट उसको जो है मतलब मिलता था। अगर मैं वीज़ा पर होती, मेरे हस्बैंड वीज़ा पर होते, तो चाइल्ड बेनिफिट ना मिलता। और हम दोनों में से किसी एक को रेजिडेंस लेना पड़ता यहाँ पर या होना पड़ता, तो ही हमें चाइल्ड बेनिफिट मिलता। तो जैसे मान लीजिए आपके केस में है, अगर आपके हस्बैंड ब्रिटिश हैं, पहले से यहाँ के पासपोर्ट होल्डर हैं, तो आप अपने पहले बच्चे के लिए चाइल्ड बेनिफिट अप्लाई कर सकते हो। आपको चाइल्ड बेनिफिट उसके इस कंट्री में एंट्री होने के डे से लेकर और 3-4 महीने जो भी आपका बीतेगा इस कंट्री में, वहाँ उतने डेट तक आपको मिलेगा। फ्रॉम आने से लेकर रहने तक का आपको चाइल्ड बेनिफिट मिलेगा, लेकिन वीज़ा पे नहीं होना चाहिए, रेजिडेंस होना चाहिए या फिर ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर होना चाहिए। तो यस, आई थिंक मैं आपको बता पाई होंगी कि पहला उसको एग्ज़ाम नहीं देना है कोई, फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ। पहला यहाँ पे तो आपके क्वेश्चन ये जो थे, मैं उसका पहला ये था कि आप आराम से आओ, सिजेरियन में कोई प्रॉब्लम यहाँ पे भी नहीं होती है। दूसरा ये था कि आप जो है अपने बच्चे के लिए अप्लाई कर सकते हो, अगर आपका आपके पति जो है, आपके हस्बैंड ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर हैं या रेजिडेंस ले रखे हैं यहाँ पे इंडिया यूके का, तो आप जो है अपने बच्चे का पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हो कभी भी ब्रिटिश।
और दूसरा अगर तीसरा अगर आप जो है कोई बेनिफिट लेना चाहते होगे तो आप में दोनों में से कोई एक जो है यहाँ का रेजिडेंस कार्ड होल्डर होना चाहिए तो ही आपको बेनिफिट मिल सकता है। वो भी चाइल्ड बेनिफिट मिलेगा जो कि उसका मेन बच्चे का अधिकार होता है, 16 साल तक ये मिलता है, उसके बाद नहीं मिलता किसी भी बच्चों को। 16 साल के बाद सब बेनिफिट बंद हो जाता है। वर्किंग टैक्स क्रेडिट और टैक्स क्रेडिट ये आपके जो है डिफरेंट होते हैं, ये आपके सरकम चांसेस पे जो है मिलते हैं, आपकी सैलरी क्या है, आपका इनकम बेस देखा जाता है उस पर। चाइल्ड टैक्स एंड वर्किंग टैक्स ये दो आपको सरकम चांसेस पे मिलते हैं। तो आई थिंक मैं आपको बता पाई होंगी कि आपके क्वेश्चन जहाँ तक मुझे पता है वो मैंने आपको बताया। और मेरे बच्चों के ऐसे कोई केस में ऐसे कुछ प्रॉब्लम आई नहीं और ये सारे यहीं पैदा हुए। तो आप भी वेबसाइट पर जाकर देख लो, वहाँ पर भी आपको जो है लेटेस्ट जो है इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब जैसे मेरा ही है बायोमेट्रिक कार्ड, मैंने लास्ट ईयर अप्लाई किया था इंडिया जाने से पहले, तो रेजिडेंस मेरा ख़त्म हो रहा था कार्ड, तो मैंने अप्लाई किया था, मिला लेकिन 2 साल का ही मिला। इसका मतलब कि मुझे ही नहीं, हर किसी को जिसने भी लास्ट ईयर अप्लाई किया होगा उसको सिर्फ 2 ही साल का बायोमेट्रिक जो है रेजिडेंस परमिट मिला है, यानी कि 2024 में वो ख़त्म हो जाएगा समथिंग उन, उन क्योंकि उन्होंने उसमें एक लेटर अटैच होके आया था कि कुछ इमिग्रेशन जो है स्टेटस वो अपडेट कर रहे हैं। तो जितने भी रेजिडेंस परमिट हैं ये आपके वैलिड रहेंगे, आप आ जा सकते हो, आपको ऐसा नहीं है कि आप वो कुछ वहाँ पर वो कुछ ट्रेवलिंग कार्ड वगैरह ऐसे कुछ बनाएंगे या जो भी करेंगे मालूम नहीं अभी तो। अब नेक्स्ट ईयर में देखेंगे कि उसका क्या होगा, अभी तक तो कोई इन्फॉर्मेशन आई नहीं है, कुछ हमें मिला भी नहीं है कोई डॉक्यूमेंट्स ऐसा उसके लिए, तो अभी तो मालूम नहीं है। लेकिन वो वैलिड है, हम इस कंट्री में रह सकते हैं 2024 के बाद भी, क्योंकि उसमें मेरी फॉल्ट नहीं है, मैंने मेरे तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनका इमिग्रेशन सिस्टम ही चेंज हो रहा है पूरा, कुछ दूसरा सिस्टम वो करने वाले हैं। तो वो सभी का उन्होंने 2 ही साल का दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो 2024 में इनवैलिड हो जाएगा या हम कहीं आ जा नहीं सकते हैं या हम इस कंट्री में काम नहीं कर सकते हैं। तो देखेंगे आगे कैसे होगा, हो सकता है कि मैं पासपोर्ट ही अपना चेंज करवा लूँ, ब्रिटिश हो जाऊँ और इंडियन पासपोर्ट छोड़ के सरेंडर कर दूँ, और अब रहना भी नहीं है, मन नहीं करता है कि इंडियन पासपोर्ट लेकर बैठी रहूँ, क्या करना है, सोच रही हूँ ब्रिटिश हो जाऊँ, बहुत सबका मन है, सारे लोग कह रहे हैं, तो देखती हूँ जब अंदर से मेरे आवाज़ आएगी ना कि हाँ अब सरेंडर कर दो ब्रिटिश इंडियन पासपोर्ट, तो कर दूंगी। अभी अंदर से आवाज़ नहीं आ रही है, कुछ कहीं अटका हुआ है मन में। तो अच्छा हाँ, एक बात वो भी कहा था उन्होंने कि मुझे तो इंग्लिश नहीं आती है, मैं वहाँ तो वहाँ कोई जॉब भी नहीं कर सकती हूँ। तो ऐसा कुछ परेशान होने की बात नहीं है, इंग्लिश यहाँ पर जो भी दूसरे कंट्री से आते हैं उनको इंग्लिश नहीं आती है, और मैं तो कहूँगी कि हम लोगों की इंग्लिश बेटर है इन अंग्रेज़ों की इंग्लिश से ज़्यादा। तो मैं तो हमें तो जितनी इंग्लिश आती है हम, मुझे तो प्राउड है उस पर। और हाँ, इंग्लिश हम बोलते नहीं हैं आप लोगों के साथ, हम इंग्लिश में बात नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है। मैं अपने बच्चों से बात करती हूँ, अपने स्कूल बात करती हूँ, बैंक में मैं काम करती हूँ जाकर, डॉक्टर से बात करती हूँ, वर्क पे फुल टाइम वर्किंग हूँ, वर्क पे मैं बात करती हूँ, हर चीज़ मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ। और ये भी थोड़ा हेल्प करते हैं, अगर आपको टूटी फूटी भी इंग्लिश आती है तो ये समझते हैं कि आप दूसरी कंट्री से आए हो और आपका इंग्लिश जो है मदर टंग नहीं है, तो ये आपको अम्बेरस फील भी नहीं कराते हैं। अम्बेरस फील तो हमारे कंट्री के ही लोग कराते हैं, अरे इंग्लिश नहीं आती है, इंग्लिश बोल रहे हो, तो ये लोग ज़्यादा आपको फील कराते हैं रदर देन दूसरी कंट्री के बंदों से। तो ऐसा कुछ नहीं है, सब आ जाएगा रहते रहते। मैं पहले हस्बैंड के बिना कहीं नहीं जाती थी, हॉस्पिटल जाना होता था हस्बैंड साथ जाएंगे, अगर मुझे फ़ोन पे बात करना है तो हस्बैंड एक्सप्लेन करते थे, जस्ट अगर मुझे बैंक अकाउंट भी खुलवाना हुआ तो मैंने नाम पता बस अपना बता दिया है, बस इतना ही तक मेरा रहता था, आगे का सब प्रोसेस वो करते थे। बट लेकिन ये केवल 1 साल तक चला है, विद इन ए ईयर उन्होंने सब हैंड ओवर कर दिया मेरे थ्रू,
मेरे पास, तो मैंने सब करना शुरू कर दिया। तभी तो मैं एग्ज़ाम दे पाई, तभी तो मैं भी यहाँ पढ़ाई कर पाई। तो इसलिए उसके लिए चिंता मत करिए, रहते 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 आपको इंग्लिश तो आपका बच्चा ही सिखा देगा। ऐसे मतलब ऐसे वो सीख जाएगा स्कूल में जहाँ उस आपने एडमिशन उसका कराया, तो इतनी इंग्लिश तो आप ऐसे ही जान जाओगे, क्योंकि बच्चा ही आपका जो है हिंदी भूल जाएगा। तो परेशान मत हो किसी भी चीज़ के लिए, बेझिझक आइए, बेझिझक रहिए, और कोई परेशानी हो बाकी तो हम लोग हैं ही हैं यहाँ पर, हम लोग किस लिए हैं, इसीलिए है ना। और बस कोई और दिमाग में आपके क्वेश्चन आए आप पूछ सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हो, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल अकाउंट आपको मिल जाएगा मेरे इनबॉक्स में, तो आप जो है जो देख डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लिया करो, वहाँ कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें रहती हैं। मैं ज़्यादा तो उसको नहीं मेंशन करती, ज़्यादा फिल नहीं करती हूँ, लेकिन मैं बहुत थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर है, तो चेक कर लिया करो उसको। तो चलिए फिर, आई होप आपको इस क्वेश्चन आंसर से आपको संतुष्टि मिली होगी। अगर कोई भी और परेशानी हो, बात हो करनी हो, तो प्लीज़ बात कर लेना। तो चलिए फिर इस ब्लॉग का करती हूँ यहीं पर एंड, और आशा करती हूँ आप लोगों को जो है आप लोगों ने जो भी थोड़ा बहुत शेयर किया आपने इन्जॉय किया होगा, और आपको कुछ बात समझ में आ गई हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ एक लाइक दे देना। अगर मेरे आंसर से आप सेटिस्फाइड हो तो एक कमेंट कर देना, पूछ लेना कुछ और पूछना हो, तो आप लोग कमेंट लाइक सब्सक्राइब यही सब करते हो, यही आपका फीडबैक होता है हमारे लिए, वरना हमें कैसे पता चलेगा कि हमने हम जो जो कुछ कर रहे हैं वो आपको अच्छा भी लग रहा है कि नहीं लग रहा है, कि बोरिंग लग रहा है, कुछ उससे हेल्प होती है कि नहीं, मैं आपको जो दिखा रही हूँ आपके सामने, जो प्रस्तुत कर रही हूँ वो आपको पसंद आ रहा है। तो चलिए, बहुत बातें हो गई आज, मैंने इतनी बातें कर लिया, तो मैं ऐसे ही इसीलिए मैं अवॉइड करती हूँ फेस टू फेस बात करने से, बात करने बैठती हूँ तो बातें काफ़ी हो जा लंबी हो जाती हैं, मेरा थोड़ा बहुत डिटेल में बात करने की आदत है, और नहीं करती हूँ तो वीडियो लंबी हो जाती है। क्या करूँ अब, चलिए फिर मिलती हूँ आपसे नए ब्लॉग में, अपना बहुत ख्याल रखिए, और चैनल पर अगर नए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली हर वीडियो में मिलती हूँ आपसे फिर नए ब्लॉग में, अपना बहुत ख्याल रखिए, बहुत ढेर सारा प्यार आप सभी को, नमस्कार, राम राम, जय सिया राम, ओम नमः शिवाय, बाय बाय।